हजारों प्रवासी मजदूरों को उनके घर पहुंचाने वाले बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद को लेकर महाराष्ट्र की राजनीति में खूब हलचल है। शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने उन्हें महात्मा बताते हुए तंज कसा और इशारों में उन्हें बीजेपी की कठपुतली करार दिया, तो जवाब में बीजेपी ने कहा कि जो काम राज्य सरकार को करना चाहिए था वो सोनू कर रहे हैं। इस बीच सोनू ने रविवार रात प्रदेश के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मातोश्री में मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान कांग्रेस नेता और प्रदेश के मौजूदा कपड़ा मंत्री असलम शेख और आदित्य ठाकरे भी मौजूद थे। मुलाकात के बाद सोनू सूद ने कहा कि ये किसी राजनीतिक पार्टी का मामला नहीं है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सबने उनके काम का समर्थन किया है। हालांकि शिवसेना की आलोचना पर पूछे गए सवाल पर सोनू चुप ही रहे। आपके मुहिम पे सवाल उठाए गए, क्या आप कहना चाहेंगे? आपने मुख्यमंत्री जी से बात की है? They are all supporting it and it's not about any particular पार्टी और एनीथिंग। वी हैव टू सपोर्ट ऑल द पीपल हु आर सफरिंग, जिनको हमारी जरूरत है। हम लोग पहुंचेंगे और मैं पहुंचता रहूंगा जब तक आखिरी माइग्रेंट अपने घर तक नहीं पहुंचूंगा। एंड ऑल एवरी पार्टी फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी, एवरीवन हैज सपोर्टेड एंड आई वांट टू थैंक एवरीवन फॉर दैट। लेकिन कुछ गलतफहमियां थी वो दूर हो गई? कोई गलतफहमियां नहीं, सब ठीक है। यू नो एवरीवन वांट्स टू डू गुड टू द कंट्री एंड वी आर देयर फॉर देम। इस मुलाकात के बाद भी संजय राउत ने सोनू सूद पर तंज कसा। उन्होंने ट्वीट किया, आखिर सोनू सूद को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का पता मिल गया, वो मातोश्री पहुंच गए, जय महाराष्ट्र। राउत के ट्वीट से जाहिर है कि शिवसेना को ये बात अखर रही थी कि सोनू ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से तो मुलाकात की लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्री से नहीं। शायद यही वजह थी कि सोनू शिवसेना के निशाने पर आ गए। सुनिए संजय राउत ने सामना में लिखे आर्टिकल को लेकर क्या कहा था। ये कहा कि सोनू सूद एक महात्मा बन के सामने आए हैं और वो आगे जाके प्रधानमंत्री से मिलेंगे। देखिए, सोनू सूद हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के एक होनहार कलाकार है। मैंने भी उनकी फिल्में बहुत देखी है, अच्छे कलाकार हैं। वो पर्दे पर भी अच्छा रोल निभाते हैं और एक कोरोना के संकट में भी सड़क पर उतर के उसने एक रोल अदा किया है। मैंने इतना ही कहा कि फिल्मी पर्दे पर एक अलग डायरेक्टर होता है और जो काम उसने किया है बढ़िया काम है, उसके लिए एक पॉलिटिकल डायरेक्टर हो सकता है। ये मेरी भूमिका है। ये लोगों की मन की भावना जो लोगों ने मेरे पास बार बार व्यक्त की थी वो मैंने आज सामना के माध्यम से आप तक पहुंचाया। बहरहाल सोनू की उद्धव से मुलाकात की तस्वीर खुद आदित्य ठाकरे ने ट्वीट की। उन्होंने लिखा कि जरूरतमंद लोगों के लिए हमें साथ आने की जरूरत है, लोगों की मदद के लिए एक अच्छे इंसान से मिलना अच्छा लगा। सोनू को लेकर सोशल मीडिया पर भी कई तरह की अटकलें हैं। कोई उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की बात कर रहा है तो कोई उनके काम के लिए मिलने वाली फंडिंग को शक की निगाह से देख रहा है। लेकिन एक बात को लेकर मोटे तौर पर सभी सहमत हैं, वो ये कि कोरोना काल में इस एक्टर ने हजारों गरीबों को उनके घर तक वाकई पहुंचाया है, जिसके लिए उनकी तारीफ होनी ही चाहिए। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।